फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा। आज की वीडियो है कि आप मुझे कमेंट आता है कि डाइट के ऊपर वीडियो बनाओ। डाइट के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैंने सपोज करो मैंने एक वीडियो बना दी डाइट के ऊपर कि आपको ये चीज़ खानी पड़ेगी, वो हर एक चीज़ एज लिमिट रहती है। केवल क्या होता है कि वीडियो स्किप करके देखते हैं, बस उसमें जो चीज़ सुनने वाली होती है वो निकल जाती है, फिर वो डाइट का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। साइड इफेक्ट मतलब कि फैट ज़्यादा हो जाती है, सांस चढ़ने लग जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। अब सपोज करो मैंने डाइट बता दी पूरी, वैसे मैं डाइट बता देता हूँ आपको, अपनी एज के हिसाब से कम लेनी है ज़्यादा लेनी है, मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या खा सकते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों हैं, ठीक है। जो नॉन वेज नहीं खाते वो वेज खा सकते हैं, पर वेज में ज़्यादा खाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा, ओरिजिनल बिना खाद के, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खा लेते हो तो वो वेस्ट ही जाती है, जितनी शरीर ने एक्सेप्ट करनी है उतनी ही करनी है। सबसे पहले आते हैं चने, दलिया, दूध, पनीर, सोया पनीर, ठीक है फ्रेंड्स, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मच्छी, उसके बाद आ जाता है आपकी मच्छी, और बीच में वो आ गया था, मैं वीडियो पॉज करती थी। और उसके बाद अगर आप सोयाबीन लेते हो, सोयाबीन में बढ़िया आती है वो भी ले सकते हो, सोया चाप भी ले सकते हो, मशरूम लेने हैं, केला, दूध, बनाना शेक, ठीक है, पीनट बटर, ठीक है। पीनट बटर के अलावा मैं ये बताऊंगा कि आप पीनट वैसे खा लो या फिर पीनट बटर खुद बना के खाओ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको टाइम टू टाइम शेड्यूल सेट करना है, ठीक है। मॉर्निंग में आप चने खा सकते हो, दलिया प्लस ऐड कर लेना, दलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओट्स भी आप ऐड कर लेना। अगर आपकी ज़्यादा फाइट है तो आपको ओट्स खाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट ऐड करना है, प्लस हरी सब्जियां ऐड करनी है। मतलब कि आपको पता ही है, इतना कुछ है नहीं कि डाइट के अंदर आपको मैं कुछ खास बताऊं, पर ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और दो घंटे बाद आपको खाना चाहिए, मतलब कि थोड़ा खाओ, फिर दो घंटे बाद थोड़ा खाओ, फिर दो घंटे बाद थोड़ा खाओ। अगर आपने वेट बढ़ाना है और स्टैमिना बढ़ाना है, जान बढ़ानी है बॉडी में, अगर आपने वेट लॉस करना है फिर आपको मतलब कि 4 घंटे या 5 घंटे के बाद खाना, मतलब कि आपने सुबह खा लिया, सुबह ओट्स खा लिए, दोपहर को सैलड खा लिए, फिर शाम को 5-6 बजे आपने थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लिया, ठीक है। रात को आपने क्या कहते हैं 2 चपाती खा ली, बस ये डाइट होती है अगर आपने वेट लूज़ करना है, और प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बता दूँ कि अब मैं दिखाते वाला हूँ आपको फ्री, ठीक है। डाइट के ऊपर ये मैंने बनानी थी, मैंने बता दिया इसके ऊपर, ये सारी जो मैंने बताई है डाइट ये वाली आपको ही पता होगा। पर एक चीज़ याद रखना, ये एज लिमिट के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ती है, एज लिमिट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी डाउन होती है। जैसे कि आप सपोज करो, जैसे चिंटू ने खानी है तो उसको 90 ग्राम 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए प्रैक्टिस करते टाइम, मतलब कि जब प्रैक्टिस करते हैं पूरे दिन की, 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अदरवाइज़ ये वेट के हिसाब से होती है, जितना वेट है उतने हिसाब से प्रोटीन चाहिए। एक नॉर्मल इंसान है जो कि कुछ नहीं करता, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, पूरे दिन मैं अपनी शॉप में जाकर बैठ जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ बस, तो मुझे ग्राम मतलब कि 80 ग्राम से 50-60 ग्राम प्रोटीन तो मुझे वैसे चाहिए मेरे शरीर को। अगर मैं इतनी प्रोटीन पूरी देता हूँ तो मैं हेल्दी रहूँगा, मेरे में जान रहेगी, ठीक है, मुझे चक्कर नहीं आएंगे, मुझे वीकनेस नहीं आएगी, मुझे वीपी लो नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि आपको कभी भी मतलब कि कोशिश करनी है कि आप चीनी से जितना दूर रह सको रहो, और पैकेट वाली कोई भी चीज़ है उससे दूर रहो, ठीक है। क्योंकि पैकेट में एक चीज़ कॉमन होती है सब में, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो जैसी मर्जी है, पैकेट में एक चीज़ डलती है, प्रोडक्ट चलता है, जिसके कारण चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि लाइफ बढ़ती है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, ठीक है। मतलब कि समझ गए होंगे आप, जैसे सपोज करो आपने पीनट बटर का डब्बा ले लिया, ठीक है, बोल दिया कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल जितना मर्जी हो, ठीक है, उसमें उसको लाइफ बढ़ाने वाली चीज़ जो प्रोडक्ट होता है या पाउडर होता है वो डल के मिक्स होता ही होता है, तभी उसकी लाइफ बढ़ती है, ठीक है, अदरवाइज़ लाइफ क्यों नहीं बढ़ती। आप एक काम करो, नया अपना खुद से पीनट बटर बनाओ, उसको सेव करके देखो कितने दिन तक सेफ रहेगा। कोई भी चीज़ है वो उसमें जो लाइफ बढ़ाती है, मतलब कि 6 महीने की गारंटी है, मतलब कि 6 दिन के महीने के बाद एक्सपायर होगा, क्यों सोचो, उसके ऊपर प्रोडक्ट डलता है, मतलब कि पाउडर डलता है, वो पाउडर हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान होता है, जो कि हमारी पाचन शक्ति को काफ़ी स्लो कर देता है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। ये प्रॉब्लमें आती हैं, मतलब कि सपोज करो कई होते हैं लेज बड़े खाते हैं, लेज में भी वो डलता है, ठीक है, घर में लेज बना के खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं घर में बना के खा लो, या फिर रेडी से खा लो, रेडी से आपको फैट मिलेगी पर बीमारी कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। फैट से की वजह से बीमारियाँ आएंगी वो बात अलग है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, ठीक है, क्योंकि रेडी वाला सिर्फ फ्राई कर रहा है, फ्राई तो वो भी होते हैं खैर,
पर उसमें फ्राई के साथ एक बीमारी और जुड़ जाती है, ठीक है। ये आपकी फ्राई होंगे कभी कभी, महीने में एक बार दो बार खाली खाली, पर एक याद रखना जो स्विमिंग करते हैं उनको पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी है, महीने में एक बार पिज़्ज़ा खा लें, ठीक है। अगर प्रोफेशनली स्विमिंग करते हैं, पिज़्ज़े में भी हाई प्रोटीन होती है, जो कि ऊपर चीज़ डली होती है उसमें भी प्रोटीन होती है, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब कि थोड़ा माइंड भी अलग हो जाता है, एक डाइट शेड्यूल बना लो आपकी, 100 ग्राम मैंने ये एक चीज़ खानी है, ठीक है। 100 ग्राम दलिए में आपको 28 ग्राम प्रोटीन मिलती है, ठीक है। और चिकन में 100 ग्राम में नहीं, 150 ग्राम में आपको 170 ग्राम में 54 ग्राम प्रोटीन मिलती है, बट आपने एक टाइम पे 30 ग्राम प्रोटीन लेनी है, ठीक है। 30 ग्राम में तीन टाइम भी लिया आपने, 90 ग्राम आपकी प्रोटीन आराम से पूरी होगी, ठीक है। तो सोच लो इतना मुश्किल काम है नहीं डाइट का। अगर आप स्विमिंग प्रोफेशनली करते हो, जिम प्रोफेशनली, कोई भी चीज़ कर रहे हो प्रोफेशनली, तो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी स्विमिंग भी दिखा देता हूँ, और हाँ, ये सारी डाइट का मैंने आपको डाइट बताई है कि ये डाइट होती है, आप इसको खा सकते हो, एज लिमिट के हिसाब से आपने सेट करनी है, ठीक है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होगा, एग मैंने प्लस एग बताना भूल गया कि एग भी खाने हैं, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप येलो पूरा एग खाते हो, येलो पार्ट और वाइट पार्ट, अगर आप वाइट निकाल देते हो तो उसमें आपको रह जाती है 3-3.5 रह जाती है प्रोटीन, मतलब कि इतना मैंने अभी इसका मेजर पूरा नहीं किया, बट इतनी प्रोटीन रह जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जब एग खाना है तो उसका एक अंडे का पीला पार्ट खाना है या दो अंडे का। अगर छोटा बच्चा है तो एक अंडे का खिलाओ, अगर और छोटा बच्चा है मतलब कि 7 साल का है तो उसको आधे अंडे का या एक अंडे का खिला दो, इनफ है, ठीक है। बाकी उसको आप पीला पार्ट निकाल के फिर खिलाओ, अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करता है तो उसके हिसाब से उसके अंडे खिलाओ, ठीक है। अंडों के साथ आप गर्म दूध दे दो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप दूध में एक अंडा तोड़ के भी दे दो ना, कभी कभी, रोज़ नहीं, क्योंकि जब आप अंडा तोड़ते हो उसके ना क्या कहते हैं उसमें जम्स रहते हैं, और गर्म अंडे में गर्म दूध में आप डाल देते हो तो उसका जो जम्स होते हैं काफ़ी हद तक मर जाते हैं। क्योंकि हम मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ अपने ऊपर, तो मैं क्या करता था, मैं एप्स बना रहा था तब मैं मतलब कि घर में पुशअप मारता था, तब मैं एक दिन के 10 अंडे खाता था, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे पता है, गर्मी पड़ गई थी मुझे, और मतलब कि सुबह 5 शाम को 5, ठीक है। और तब मेरे मतलब कि बॉडी अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी बॉडी, मतलब कि एप्स पूरे निकल आए, 7 दिन में मेरे एप्स आ गए, ऐसे एप्स पूरे एप्स आ गए थे। तो दिक्कत हो जाती है कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने की, एक दिन में पूरा हो जाए। बस यही था आज का मेरा कुछ वीडियो का, शनिवार था ना, वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाऊँ, डाइट के ऊपर आई, एक कमेंट आया था उसके ऊपर मैंने कुछ बताना था, मैंने बोला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मैं भूल गया क्या बताना था, सॉरी। तो अभी मैं बच्चे की फ्री स्टाइल दिखा देता हूँ, आज स्कूल स्टेट है, मैंने स्कूल स्टेट की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, पर ये बहुत लेट स्टार्ट होगा, ये 12 बजे स्टार्ट होगा, तो शॉप पे भी जाना है, आपको पता है मेरी शॉप पे है। तो बस यही था आज के लिए, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक इंस्टाग्राम सभी जगह मुझे छाजो, आप छाजो। और अब आपको मैं फ्री स्टाइल दिखा देता हूँ थोड़ी सी, जैसे ये लड़का कर रहा है, मतलब कि इसको स्विमिंग आती है फ्री स्टाइल, पर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है, ठीक है। जिसमें वो छोटा सा बच्चा कर रहा है ना, वो देख रहे हो आप, वो बैक कर रहा है, ध्रुव उसका नाम है, ध्रुव, इसी ये वीडियो मैंने फ्री स्टाइल की दिखाई है आपको, ये ध्रुव है, ठीक है, काफ़ी प्यारा बच्चा है ये, मैं इसको बड़ा परेशान करता हूँ ये अभी बैक कर रहा है, मतलब अभी इतना है नहीं इसका, 7 साल का है ये। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और लास्ट में मैं फ्री स्टाइल दिखा देता हूँ आपको, छोटे बच्चे कैसे करते हैं, प्रोफेशनली करता है ये भी, इसने प्रैक्टिस की है काफ़ी, क्योंकि पिछले साल भी की है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी ये बैक कर रहा है, ये चेक करो इसकी बैक, चेक करो सही चल रही है ना, सही, बस इसके पैर नहीं चल रहे, बाकी सब सही है, ओके चला रहा है हाथ, काफ़ी अच्छा है, ये मेहनत बहुत अच्छा करता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी कर रहा है बैक, सॉरी फ्री कर रहा है, फ्री स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा है, ये चेक कर सकते हो, मतलब कि ये इस एज में प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर रहा है, तो ये अभी 7 साल का है, तो जब ये 8 से 9 मतलब कि 12 या 16 साल का हो जाएगा तब तक तो ये बहुत प्रोफेशनली हो जाएगा। ये रहता है कि हमें कंटिन्यू रखनी होती है, ये जैसे ये बिल्ला बैठा लम्बे पे आया, किक वर्ड को सागे इसको भी देख सकते हो निकम्मे, और ये देख सकते हो फ्री स्टाइल में हाथ पैर कितनी स्पीड में चले चाहिए, एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड और स्टेमिनर और आपकी फिटनेस को अपने आप फ़र्क पड़ता रहेगा, बल्कि आपको खुद ही लगेगा कि आप काफ़ी फिट हो, और आपके जैसे कि क्या होता है कि कहीं भी हमारे सर्वाइकल हो गया या कोई इशू हो गया ये नहीं होती। और दूसरी बात कि इसमें स्विमिंग में हाइट पीक ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये बैक स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि बैक में ये पैर गलत चला रहा है, इसके पैर सीधे खड़े रह रहे हैं, पर बैक में अगर पैर सीधा आगे को कर लेगा, जैसे कि पैरों की सेम मूवमेंट कर लेगा,
तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी जो ये खींच रहा है सिर्फ हाथों से खींच रहा है, पैरों से नहीं चल पा रहा है, और इसके गोडे भी ज़्यादा बेंड हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डाइट के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलो वीडियो का एंड करते फ्रेंड हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे पता है, बस मैंने बता दिया कि जैसे भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और सभी तरह के आइडिया हैं, ग्रुप भी है, व्हाट्सअप, उस पर कोई भी फालतू की चीज़ मत डालना। आपका कोई सवाल है तो ही पूछना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो मेरी स्विमिंग से रिलेटेड। ये है टेक्निकल लवली मनी चैनल, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ और बकायदा और गैजेट्स की भी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। थैंक यू वॉच द वीडियो।